बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी द्वारा दिए आम की नापसंद को लेकर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने राहुल का पक्ष लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि उनका यह कहना कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है, यह सरकार के लिए था क्योंकि सरकार को यूपी का आम पसंद नहीं है। वहीं राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वह कृषि कानूनों को वापस ले, और अगर ज्ञान नहीं हुआ तो वह जब गांव में आए तो जवाब साथ लेकर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सरकार को हर तरीके की दवाई से इलाज किया जाएगा, चाहे वह मीठी दवाई से हो या फिर कड़वी से, सरकार कड़वी दवाई लेने की आदत डाल ले, क्योंकि किसानों द्वारा सरकार के लोगों को कड़वी दवा दी जाएगी और तभी इनका इलाज संभव है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुए बवाल पर बोलते हुए कहा कि 26 तारीख को कोई बवाल नहीं हुआ था, बल्कि क्या दिल्ली में जाने पर किसी को खांसने की भी अनुमति नहीं है। हाँ, ये कहा कि भाई बाहर जाता था पहले आम, और अब तो ये भारत सरकार कह रही है कि यूपी का किसान तो बढ़िया आम पैदा करता, पहले बढ़िया बाहर चला जाता था। ना ठीक कहा कि यूपी के तो किसानों का आम भी पसंद नहीं है, तो सरकार को कहाँ पसंद है आम, पहले बाहर जाता था आम मंत्री लखनऊ। नहीं, राहुल गांधी को खुद पसंद नहीं है आम, यूपी का आम नहीं। कैसे राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं जी, ये सरकार के लिए कहा उन्होंने कि सरकार को आम ही पसंद नहीं है यूपी का, पहले आम बाहर जाता था, एक्सपोर्ट होता था, चला जाता था। तो आपका आंदोलन किस तरीके चलता रहेगा? हमारा तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा, बढ़िया शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती रहेगी, अब हर गांव से ड्यूटी लगेगी। अपना जैसे खेत में काम करता है ऐसे ही आंदोलन में भी जाओ। अभी कितने किसान दिल्ली में की सीमाओं पर मौजूद हैं, कितने आगे आने वाले हैं? जो गांव में बैठा जो विचार से जुड़ा हुआ है वो आंदोलन में ही तो शामिल है। अच्छा, तमाम तरह की बातें आती है सामने कि जिस तरीके 26 जनवरी को वहां पर बवाल कर दिया था, ऐसे ही हालात बनते जा रहे, कहीं ऐसा क्या बवाल हुआ 26 तारीख को? 26 में क्या बवाल हुआ? 26 तारीख को 25 लाख आदमी तो गए थे दिल्ली में, तो 25 लाख आदमी खासे भी ना दिल्ली में जाके, ऐसा तो प्रतिबंध है नहीं कि किसी का खांसी भी ना उठे। अच्छा, एक बार फिर से दिल्ली को सील करने की तैयारी की जा रही सरकार की तरफ से? तो सील करी रखी दिल्ली, तो सील ही है दिल्ली, खुल कहा सील है दिल्ली। संसद पर आपका चलता रहेगा? हाँ, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, जब तक हमारे 200 लोग पार्लियामेंट के गेट पर वहाँ बैठे रहेंगे और किसान संसद चलाएंगे अपनी बात वहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार को यह है कि भाई सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो हमारे से बात कर लो, ना प्राप्त हुआ हो तो भाई आओगे तो गांव में क्वेश्चन करेगा गांव का आदमी, उसके जवाब लेके जरूर आना, दवाई देंगे कैडी, नरम गरम दवाई भी होगी, मिट्टी कड़वी भी दवाई होगी, पीने की आदत डाल लेना। अच्छा, कड़वी दवाई तो आराम बहुत। कहा कि अगर राजनाथ सिंह जी से बात हमारी वार्ता की जाए तो सफल हो जाएगी वार्ता, ऐसा कहीं उन्होंने ये पहले बयान दिया था आपसे पहले? ये लगता था कि बहुत लोग उस विचारधारा के थे इस पार्टी में, लेकिन वो तो बंधन में है अब भैया। तो बीजेपी नेता मुक्ति अभियान देश में चला हुआ, हम पहले उन नेताओं को छुट्टो में, जब फिर उनको आगे जावे, जब फिर वे हमारी बात सुनेंगे। ये तो बीजेपी नेता मुक्ति अभियान भी इनको चलाना पड़ेगा ना इनको। देखो, सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सब लोग सुन रहे हैं। बड़े बड़े ऐड आपने भी छाप दिए ना अखबारों में, आपके टीवी पर चले हैं कि अब की बार मोदी सरकार, ये बीजेपी वाले तो खाम खाँ उड़े थे। अच्छा, अध्यक्ष जी ने ये भी कहा था कि जो कृषि मंत्री है वो पिंजरे में तोते की तरह से कैद है। अरे अरे, क्या बोला, क्या कहा भाई? भाई अब जब दूसरे के कहने से बोल रहे अपनी जुबान चाहे जिनको बोलना चाह, जब पावर ही नहीं है किसी को, जो वहाँ से भेजते हैं उनको बातचीत के लिए, उनको अगर सुन ले पावर दे के भेजे तो समझौता हो जाएगा, उनको पावर नहीं होती।